दो दिन बाद आपको उतना ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगा और यहाँ पे बांस डाला जाएगा और या उससे आगे जाने को अलाउ नहीं है। सो हे गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और मैं आपको बता दूं कि अभी मैं हूँ चित्रगुप्त घाट पे। जी हाँ, और छठ पर्व की तैयारी शुरू हो गई है। आप लोग को पता है कि छठ पर्व आने वाला है, जो कि बिहार का काफ़ी ज़्यादा फेमस त्यौहार जिसे कहते हैं। छठ पर्व नहीं, छठ महापर्व हम लोग जिसे कहते हैं। तो मैं अभी चित्रगुप्त घाट पे हूँ, हाजीपुर में। और पिछले बार कोविड के कारण उतनी तैयारी नहीं हुई थी और ना ही घाट पे कुछ मनाया गया था। और आप मेरे पीछे देखिए किस तरह से घाट बनी हुई है, चारों तरफ आपको घाट दिख रहा होगा जो कि तैयार किया जा रहा है और साफ सफाई ये पूरा हो रहा है यहाँ पे। चित्रगुप्त घाट भी इसे कहा जाता है और पुल घाट भी। और यहाँ पे अंकल लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि पिछले बार तो ऐसे कोरोना के कारण यहाँ पे बहुत से लोगों को नहीं आने दिया गया था, सब लोग घर पे ही छठ मनाए थे। तो इस बार तो साफ सफाई भी हो रही है, तो आपको कैसा लग रहा है कि इस बार छठ पर्व मनाया जा रहा है घाट पे, तो बताइए आप, मतलब कैसा लग रहा है आप लोगों को? तो बढ़िया लग रहा है, खुशी हो रहा है कि इस बार छठ पर्व मनाया दिया जा रहा है। देख सकते हैं मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो कि बांस से घेर दिया गया और इसे यहाँ पे कपड़ा लगा करके यहाँ पे सब कपड़ा चेंज मतलब जो छठ पर्व करती हैं उनके लिए है। और आपको वहाँ तक पूरा घाट आपको दिखेगा। इस तरह से यहाँ पे घाट बनाया जा रहा है और चारों तरफ आपको दिखेंगे जो कि काम चल रहा है और साफ सफाई किया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से यहाँ से मिट्टी को हटा करके वहाँ पे फेंका जा रहा है, यहाँ से घाट पूरा का पूरा साफ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी साफ सफाई चल रही है छठ पर्व की। देखिएगा यहाँ पे पुल घाट के पास जब आप इंटर करिएगा यहाँ पे घाट पे, तो आपको यहाँ पे एक दिखेगा जो कि गेट बनाया गया है, बांस का पूरी तैयारी चल रही है जहाँ से इंटर आप लोग करेंगे। अपना नाम बताइएगा भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजन कुमार हुआ जी। तो मतलब ये पूरी साफ सफाई की जिम्मेदारी आप लोग को जी जी। तो आप लोग को मतलब पूरा टेंडर दिया गया ये चित्रगुप्त घाट और कदम घाट का कि ये पूरे मतलब इसी घाट का? नहीं, ऑल घाट का, जितने भी घाट है वो लोग हाजीपुर में जितने नगर परिषद के द्वारा तो देख रेख में है। और वैसे यहाँ पे जो बांस लगाया उसके आगे मतलब डेंजर एरिया, उसके आगे पूरा डेंजर एरिया, उससे आगे जाने को अलाउ नहीं है जी। इसीलिए बैरिकेडिंग किया गया, इधर बैरिकेडिंग पूरा कर दिया गया, किया गया है हर घाट पे, मतलब तैयारी कर दिया गया है कि वैसे कोई भी अगर छठ पर भी आए तो उसके आगे ना जा पाए, क्योंकि उसके आगे वाटर लेवल काफी ज्यादा हाई हो जाता है। छठ पर भी आए तो कपड़ा बदलने का ये सब कर जगह होगा तैयारी, उसके लिए व्यवस्था वहाँ किया गया है मार्केटिंग करके जी। घेर को वहाँ पे कपड़ा पीछे में लगाया गया है कपड़ा, अगर कोई छठ पर भी आते हैं और कपड़ा बदलने का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है तो वो वहाँ पे कर सकते हैं। ये सारा कुछ व्यवस्था जी बिल्कुल यहाँ पे किया गया, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, किसी भी तरीके का कमी नहीं है। अभी जो भी है जो कमी है वो भी छठ पर्व पूरा हो जाए। और वैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरह से चूल्हा को बनाया गया है जो कि छठी मैया का जब पूजा किया जाता है तो इसी मिट्टी के चूल्हे पे पूजा किया जाता है और इसी पे पूरा प्रसाद बनता है छठी मैया का। और आप देखिए घाट के बगल में बनाया गया है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग यहाँ पे बना कर रखे हैं। किस तरह से है छोटा छोटा चूल्हा आपको दिखेगा। घाट पे तैयारी हो रही है, आप देखिए किस तरह से यहाँ पे गड्ढा को मतलब खोदा जा रहा है और यहाँ पे बांस डाला जाएगा और काम पूरा चल रहा है। आप देख सकते हैं लगभग एक से दो दिन ही बचा हुआ है छठ पर्व का।
आप जब आगे जाइएगा यहाँ से पुल घाट और चित्रगुप्त घाट के आगे इसी लाइन में आपको दिखेगा यहाँ पे कदम घाट भी आगे। अभी हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कदम घाट की किस तरह से तैयारी चल रही है। पूरे हाजीपुर में इस वीडियो को शेयर कीजिए और सबको पता चलनी चाहिए कि हाजीपुर में भी तैयारी शुरू हो चुकी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपको लाइक करना तो बनता है, इसलिए आप लाइक कीजिए। कदम घाट पे आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पूरी तैयारी चल रही है और बांस जो कि जिसे बैरिगेडिंग कहा जाता है और ये पूरी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं तैयारी कर दिया गया है और बांध दिया गया है बांस को कि इसके आगे कोई ना जा पाए और यहीं तक आपको रह करके छठ पर्व करना है। और ये देखिए कुछ इस तरह का हाल है घाट का और साफ सफाई चल रहा है। छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जो कि हम बिहार वासियों को, आप अगर बिहार से हैं तो आपको ये एक अंदर से फील आता है कि ये एक इमोशन की तरह ये महापर्व है। तो आप अगर इस पर्व को, छठ पर्व को बिहार में मनाते हैं तो ये पर्व काफ़ी ज़्यादा हम लोग को पसंद आता है और काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि हम लोग अपने बिहार से हैं। तो इसलिए एक लाइक बिहार के जो भी लोग देख रहे हैं या फिर बिहार के बाहर भी देख रहे हैं तो एक लाइक तो इस वीडियो को बनता है और शेयर कीजिए इस वीडियो को और सभी लोग को शेयर करके बताइए किस तरह से छठ पर्व की तैयारी हो रही है। और आपको मैं पूरा छठ पर्व का ब्लॉग दिखाने वाला हूँ, इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, सिर्फ तैयार रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके और न्यू छठ पर्व ब्लॉग, छठ महापर्व ब्लॉग आपको देखने को मेरे चैनल पर मिलेगा। हाजीपुर का ये घाट देख रहे हैं, चित्रगुप्त घाट। यहाँ का सबसे खास बात है कि आप जब पुल के ऊपर जाइएगा तो आपको जस्ट मेरे पीछे वो आपको दिख रहा है सोनपुर। जी हाँ, इस पुल को पार करके आप सोनपुर, ये हाजीपुर और उस पुल से आपको पटना भी दिखेगा। आपको ये जो घाट अभी जितना ज़्यादा खाली दिख रहा है, आज से एक दो दिन बाद आपको उतना ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगा। तो ये आपको मैं दिखाऊंगा कितना ज़्यादा भीड़ छठ में होता है, छठ महापर्व में। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और ये ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ न्यू कंटेंट करने का मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ आपको छठ ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो अगर आप छठ पर्व करते हैं या फिर आपके यहाँ होता है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये पर्व में आपको कितना ज़्यादा अंदर से एक्साइटमेंट होता है, तो इस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी तरह का ब्लॉग आपको कंटिन्यू लगातार आपको छठ पर्व का मिलेगा। तो बस नेक्स्ट ब्लॉग में आप सब मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में आप सब मिलते हैं छठ पर्व।